भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गए। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश मंगलवार 6 अगस्त को 3 मुकाबले जीतकर 50 केजी रेसलिंग ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। 2020 टोक्यो ओलंपिक चक्र में 1,13,98,224 रुपये का आर्थिक सहयोग उसको किया गया था। 224 पेरिस ओलंपिक चक्र में भी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में 53,35,746 और वार्षिक ट्रेनिंग एवं स्पर्धा कैलेंडर में 17,10,000 कुल मिला के 17,45,775 रुपया हमारे खिलाड़ी को आर्थिक सहायता करके उसको सक्षम करा गया।